नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा रार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो आज हम बात करेंगे शाहरुख खान बादशाह की बेगम गौरी खान को लेकर। जी हाँ, गौरी खान एक फेमस प्रोड्यूसर के साथ साथ एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर भी है। गौरी खान बॉलीवुड में हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं, कभी अपने बेटे आर्यन को लेकर, तो कभी खुद के ड्रग केसेस को लेकर, और ये कभी तो अपने छोटे बेटे अब्राहम की प्रेगनेंसी को लेकर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गौरी खान को लेकर। एक समय ऐसा था जब गौरी खान और शाहरुख खान के बीच अनबन सी हो गई थी। उस समय गौरी खान ने डिसाइड किया था कि वो शाहरुख खान से तलाक ले लेंगे। असल में उस समय प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान की फिल्म डॉन के आने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से गौरी खान को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी और उन्होंने शाहरुख खान को कह दिया कि वो प्रियंका से दूरी बना ले, अगर उन्हें अपनी शादी बचानी है तो प्रियंका से सारे रिश्ते नाते तोड़ ले। तो चलिए, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा मामला बताएंगे और गौरी खान को लेकर कुछ दिलचस्प बातें आपसे शेयर करेंगे। फिल्म प्रोड्यूसर, इंटीरियर डिजाइनर और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेगम गौरी खान बी टाउन की पावर लेडी मानी जाती हैं। गौरी ने कई हाई प्रोफाइल सेलेब्स के घर और ऑफिस का इंटीरियर डिजाइन किया है। वो प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की को फाउंडर होने के साथ वो चेयरपर्सन भी है। चलिए, आज हम आपको उस बॉलीवुड के बादशाह की बेगम गौरी खान के बारे में बताते हैं। गौरी छिब्बर की पैदाइश दिल्ली में हुई। वो पंजाबी हिंदू ब्राह्मण पेरेंट सविता और कर्नल रमेश चंद्र छिब्बर की बेटी है। गौरी ने अपने स्कूली एजुकेशन लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने मॉडर्न स्कूल वसंत विहार नई दिल्ली से हाई स्कूल पास किया। गौरी ने लेडी श्रीराम कॉलेज से बीए किया। इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग का 6 महीने का कोर्स भी किया। ये कोर्स करने के बाद गौरी ने अपने पिता के गारमेंट बिजनेस में शामिल हो गई और यहाँ उन्होंने टेलरिंग भी सीखी। गौरी कड़ी मेहनत में विश्वास करती हैं। बेशक वो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की वाइफ है, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की अलग पहचान बनाई है। चमक दमक वाली बॉलीवुड की दुनिया में गौरी खान का अपना एक अलग रुतबा है। बड़े बड़े सेलेब्स उनसे अपने सपनों के महल का इंटीरियर डिजाइन कराने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। फॉर्च्यून मैगजीन में 50 सबसे पॉपुलर महिलाओं में भी शामिल हो चुकी हैं। गौरी ने 2002 में अपने शौहर शाहरुख के साथ रेड चिलीज नाम से एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म मैं हूना को प्रोड्यूस किया। उन्होंने ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर फिल्मों को भी प्रोड्यूस किया है। गौरी एक सफल फिल्म प्रोड्यूसर तो है, वही इंटीरियर डिजाइनिंग की दुनिया में भी उनका बड़ा नाम है। गौरी ने सुजैन खान के साथ एक जॉइंट पार्टनरशिप में एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अपना बिजनेस शुरू किया था। आज गौरी खान अपने खुद के दम पर करोड़ों की दौलत की मालकिन है। गौरी की कुल प्रॉपर्टी 1600 करोड़ बताई जाती है और वो ब्रांड एंडोर्समेंट में भी बहुत पैसा कमाती है। गौरी के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की कीमत 500 करोड़ है और इसे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला प्रोडक्शन हाउस माना जाता है। लेड्स एंड बेंडमेंट में खान परिवार का बंगला मन्नत है। इस आलिशान घर की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके पास एक आलिशान बेंटली कॉन्टिनेंटल है और इसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा गौरी की मुंबई में अपनी लग्जरी शॉप भी है जो जुहू तारा रोड शांता क्रूज में है। उनके शॉप की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान पर लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। ये एफआईआर गैर जमानती धारा 409 में दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलसियानी, डायरेक्टर महेश तुलसियानी और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान पर यह केस दर्ज किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो एफआईआर में बिल्डरों पर आरोप है कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में तुलसियानी गोल्फ व्यू के एक फ्लैट के लिए इन्होंने एक शख्स से करीब 86 लाख रुपए लिए। रुपए लेने के बाद भी इन्होंने फ्लैट किसी और को दे दिया। वही पीड़ित ने एफआईआर में गौरी खान का नाम जोड़ने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर भी ये किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रहने वाले किरिट जसवंत शाह ने ये मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का कहना था कि उन्होंने 86 लाख रुपए में सोसाइटी में फ्लैट खरीदा था।
पर कंपनी ने रुपए लेने के बाद भी तय समय पर फ्लाइट नहीं दिया। क्रिटिक जसवंत शाह के मुताबिक उन्होंने शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को लखनऊ स्थित तुलसियानी कंपनी का प्रचार प्रसार करते देखा था। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने इस अपार्टमेंट में फ्लैट बुक करने का मन बनाया। दरअसल गौरी खान ये प्रचार तुलसियानी कंपनी की ओर से शहीद पथ स्थित सुशाल गोल्ड सिटी इलाके में बन रही गोल्ड व्यू टाउनशिप के लिए कर रही थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फ्लैट बुक करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उनकी बातचीत कंपनी के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी से हुई थी। दोनों ने सौदा 86 लाख रुपए में तय किया था। उन्होंने HDFC से लोन लेकर 85.4 लाख रुपए का भुगतान अगस्त 2015 में किया था। बुकिंग के वक्त कंपनी का वादा था कि अक्टूबर 2016 तक पजेशन दे दिया जाएगा। तय समय पर कब्जा न मिलने पर कंपनी ने क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें 22.7 लाख रुपए भी दिए और 6 महीने बाद पजेशन देने का वादा किया। कंपनी ने यह भी कहा कि अगर 6 महीने में पजेशन नहीं मिलता है तो उन्हें पैसे ब्याज सहित लौटा दिए जाएंगे। इसके बाद वो निश्चिंत हो गए थे। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने जो फ्लैट बुक किया था उसे बिल्डर ने किसी और शख्स को बेच दिया। ये डील रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल करके ही गई थी। इसके बाद उन्होंने DCP साउथ राहुल राज से मामले की शिकायत की। DCP के आदेश पर 25 फरवरी को सुशांत गोल्ड सिटी थाने में अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ FIR दर्ज की गई। कुछ सालों पहले गौरी खान उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब खबरें उड़ी कि बर्लिन एयरपोर्ट में गौरी खान को ड्रग के साथ पकड़ा गया था। इस मामले में पुलिस ऑफिशियल द्वारा कोई आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। हालांकि खबरें ये आ रही थी कि गौरी ड्रग एडिक्टेड है। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि गौरी को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनके पास महज एक व्यक्ति के इस्तेमाल करने जितना गांजा मिला था। लगातार खबरें सामने आने के बाद गौरी ने एक इंटरव्यू में इन सभी खबरों को अफवाह बताया था। गौरी का कहना था कि उन्हें इस तरह की खबरों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। साल 2013 में गौरी खान सैरोगेसी के जरिए बेटे अब्राम की मां बनी थी। हालांकि अब्राम के जन्म से पहले कपल कानूनी पचड़े में फंस गए थे। शाहरुख और गौरी पर आरोप था कि उन्होंने बेटे की चाह में लिंग का परीक्षण करवाया है, जो अपराध है। मामला सामने आने पर महाराष्ट्र के रेडियोलॉजिक्स एजुकेशन ने पहले ही उनकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्रालय और PCPNDT कमेटी को कर दी थी। साथ ही एक NGO ने शाहरुख और गौरी खान के खिलाफ लिंग परीक्षण कराने की शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि डॉन फिल्म के बाद शाहरुख का नाम प्रियंका चोपड़ा से जुड़ने लगा था। शाहरुख और प्रियंका ज्यादातर साथ समय बिताने लगे थे जिसके चलते दोनों की खूब तस्वीरें सामने आ रही थी। दोनों के अफेयर की खबरें एक्टर के घर तक पहुंच गई। इससे नाराज होकर गौरी ने शाहरुख का घर छोड़ दिया और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। खबरें थी कि गौरी शाहरुख से तलाक लेना चाहती हैं। हालांकि एक्टर ने प्रियंका के साथ सारे रिश्ते खत्म कर अपनी शादी बचा ली थी। एक समय था जब प्रियंका चोपड़ा और गौरी खान करीबी दोस्त हुआ करती थी। दोनों अक्सर साथ पार्टी करती दिखती थी, लेकिन शाहरुख से नाम जुड़ने के बाद प्रियंका और गौरी एक दूसरे को नापसंद करने लगे थे। गौरी और उनके दोस्त सुजैन ने प्रियंका को अपनी पार्टी में बुलाने से इनकार कर दिया। एक पार्टी में जब गौरी और प्रियंका आमने सामने हुए तो गौरी ने उन्हें जवाब देने की बजाय नज़रअंदाज कर दिया था। गौरी के कहने पर सुजैन खान ने प्रियंका को अग्निपथ फिल्म की सक्सेस पार्टी में तक भी नहीं बुलाया था, जबकि फिल्म में ऋतिक के साथ प्रियंका ही लीड रोल में थी। गौरी प्रियंका से इतनी नफरत करने लगी थी कि उन्होंने शाहरुख से साफ कह दिया था कि अगर शादी बचानी है तो प्रियंका के साथ कभी कोई फिल्म नहीं करना। आपको बता दें कि साल 2000 में एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने खुलासा किया था कि वो गौरी के लिए उन्होंने एक पत्रकार पर तलवार से हमला कर चुके थे। साल 1993 में कभी हाँ कभी ना की शूटिंग के दौरान एक पत्रकार ने शाहरुख और उनकी को एक्टर के अफेयर की खबर छाप दी थी। ये खबर जब गौरी ने पढ़ी तो वो नाराज हो गई। गौरी को लगने लगा था कि उन्होंने शादी करके कोई बड़ी गलती कर दी है। गौरी की नाराजगी से परेशान होकर शाहरुख ने ससुर जी द्वारा दी गई तलवार से पत्रकार के पैर में हमला कर दिया था। अगले दिन शाहरुख को जब फिल्म के सेट से गिरफ्तार किया गया तो उन्हें महज एक कॉल करने की इजाज़त मिली थी। तब भी शाहरुख ने उस पत्रकार को कॉल कर धमकियां दी थी।
बाद में नाना पाटेकर ने शाहरुख की जमानत करवाई थी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइफ। गुड बाय।